जब वीडियो बनाते हैं ना, हमारे लिए जो जो ऐप्स हमारे काम आते हैं तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर, हर एक यूट्यूबर के लिए ये 5 ऐप्स लाजमी है, चैनल के लिए बहुत ही अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग जब वीडियो बनाते हैं ना, हमारे लिए जो जो ऐप्स हमारे काम आते हैं तो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि कौन कौन से ऐप हैं जो हमारे वीडियो बनाने के लिए काम आते हैं। पहले नंबर पे वीडियो बनाने के लिए, जो आपके पास अच्छा कैमरा नहीं है, मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं है और आप चाहते हैं कि मेरे मोबाइल के कैमरे का रिजल्ट और भी बेहतर हो जाए, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैमरा ऐप। एक तो मोबाइल में अपना कैमरा होता है, दूसरा होता है प्ले स्टोर में कैमरा ऐप। मैं स्क्रीन में आप लोग के साथ शेयर कर दूँगा, एक ये ऐप है, इससे मैं वीडियो बनाता हूँ। माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट है और क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन होती है ना। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर आ जाते हैं जो वीडियो एडिटिंग है। वीडियो एडिटिंग हम लोग करते हैं इस पर कैपकट पे। पहले तो मैं MTC ट्यूटोरियल्स का मास्टर इस्तेमाल करता था, उस पर मैं कट कर दूंगा, नहीं कह सकता, बस मजबूरी है। और दूसरा पहले नंबर पे है काइन मास्टर, इन शॉर्ट और कैपकट, ये 3 ऐप्स हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। मैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहले मैं काइन मास्टर इस्तेमाल करता था ना, अभी मैं पलटा हूँ कैपकट पे। कैपकट पे सहूलियात बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा ऐप्स है माशाल्लाह और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तीसरे नंबर पे हमारे लिए जो काम आता है वो है थंबनेल के लिए पिक्सल लैब। और भी सारा ऐप्स है, थंबनेल मेकर भी है जो यूट्यूब की तरफ से जो होता है, वो उस पर तैयार थंबनेल भी मिल जाते हैं। लेकिन आप जब अपने हाथों से थंबनेल बनाते हो ना तो वो अलहदा बात है। पिक्सल लैब माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। स्क्रीन पर मैं शुरू कर दूँगा, ये प्ले स्टोर में आपको ये सारे ऐप्स मिल जाते हैं। ऐप इसमें अपनी मर्जी के हिसाब से आप अपने चैनल का जो थंबनेल होता है वो खुद ही बना ले, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन किस्म का थंबनेल बन जाता है। मेरे जो कुछ थंबनेल है ये मैं इससे ही बनाता हूँ। सारा तरीकाकार जो है अभी ला नहीं बताऊँगा, थंबनेल कैसे बनाया जाते हैं ये अभी मैं नहीं बताऊँगा, जो बाद में जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे इंशाल्लाह फिर मैं ज़रूर बताऊँगा। अच्छा जी, चौथे नंबर पर आ जाएँ तो वो यूट्यूब के लिए जो वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उसके लिए हमारे लिए टैग भी ज़रूरी होते हैं। तो प्ले स्टोर में ये तैयार ऐप भी मौजूद है टैग यू के नाम से, ये भी एक तैयार ऐप है और ये इस पर भी आप टैग लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं इस्तेमाल करता। अगर यूट्यूब स्टूडियो में जाके यूट्यूब स्टूडियो पे अगर आप टैग्स लगाएंगे ना तो ओला बेहतरीन है। अच्छा जी, ये भी होंगे 5वें नंबर पर 5 ऐप्स हैं जो कि हमारे लिए काम आती हैं। 5वें नंबर पर है स्क्रीन रिकॉर्डर, जो हम लोग स्क्रीन पर जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो भी हमारे लिए फ़ायदा ना होते हैं, जो आप लोग के साथ मेरे पे हम लोग वो सब कुछ शेयर करते हैं कि ये इसका काम है। स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए पे हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं कि ये काम करने ये कैसे होता है, अगर चैनल बनाया है क्या क्या करना चाहिए। तो ये 5 ऐप्स हैं जो हमारे लिए यूट्यूब हर एक यूट्यूबर के लिए ये 5 ऐप्स लाजमी हैं। ये 5 ऐप इस तरह लाजमी कि बस ये आपके चैनल के लिए बहुत ही अहम है। और अगर आप लोग नहीं इस्तेमाल करें, अगर यूट्यूबर हैं और आप ये ऐप्स नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आप अपने चैनल का फिर क्या फ़ायदा, फिर क्यों आप वीडियो बना रहे हैं और थंबनेल अच्छा नहीं बना सकते। तो बात यही थी ना, लेकिन जितना आपका अच्छा थंबनेल होगा तो उतने ही ज़्यादा आपके व्यूज़ आएंगे। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं थंबनेल सिखाना भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।